पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंच गया है। एयर एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ के हवाई अड्डे पर पहुंचा। वहां से कार द्वारा उनके शव को जिला स्टेडियम में लाया गया। स्टेडियम में उनके शव को जनता दर्शन के लिए रखा गया, जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जनसेवाल उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। उसके बाद उनके शरीर को लेकर अली अब मढ़ौली ले जाया जा रहा है। उनके पैतृक गांव में दर्शन के लिए उनका शरीर रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि मढ़ौली में उनके पार्थिव शरीर को रखने के बाद उनका अंतिम संस्कार सोमवार को बुलंदशहर के नरोरा राजघाट पर किया जाएगा। बड़े भाई थे भैया, सिस्टर तो बड़े भाई का, जैसे बड़े भाई की नज़र में दुख होता है उतना ही हमें दुख हो रहा है। और द सोरो इज सो डीप दैट वी आई डू नॉट फाइंड वर्ड टू एक्सप्लेन माई सोरो। ये तो केवल ऊपरी दिखावा है, दिल का दुख का तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता है कितना दुख है, कितना दुख है। जी बाबू जी का अब तक का सफर कैसा रहा था, क्या याद रही होगी? जिस क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखा उसी क्षेत्र में वो सफल रहे। जैसे इस गांव में किसान के रूप में उन्होंने सबको मॉडल बता दिया कि ऐसे खेती करो, टॉप की खेती करके दिखा दी उन्होंने। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई में भी जनता नाम हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने टॉप पहना। और राजनीति में तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इतना नाम कमाया कि हमारा गाँव उनके इससे बड़ा ही हसोल के ऐसा दर्शन हमारे गांव में पैदा हुआ जिसने मढ़ौली का काम पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर दिया। आपका कब से उनका साथ था और कौन सी यादें आपको अब परेशान कर रही हैं? कब से आपका साथ था उनका? बचपन से ही साथ था, मैं 4 वर्ष का था, 12 तभी से मुझे लाड़ प्यार करते थे। और 8वीं क्लास में जब पढ़ा, 8वीं क्लास में मेरी अंग्रेजी को देख करके उन्होंने ये कहा कि तेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि तू अंग्रेजी थे हमें करना, तो उनकी आगे मैंने अंग्रेजी हमें किया। जैसे आते थे शादी वगैरह में उस तरीके से कोई ऐसी याद है जो वो नाम से किसी को बुलाते थे, कुछ अपने तरह की याद? अच्छा गाँव में तो भैया एक हमारे बुजुर्ग सुखवीर सिंह थे जो भाई साहब से बड़े थे, उनको याद करते थे या मुझे याद करते थे। और दावत नहीं खाते थे जब तक हम दोनों नहीं पहुँच जाते थे, मैं और सुखवीर सिंह। राजनीति